अंतर मन के द्वंद्वों को गीतों में गाता फिरता हूँ। अंतर मन के द्वंद्वों को गीतों में गाता फिरता हूँ। सच बोलूँ तुमसे मिलता हूँ, सच बोलूँ तुमसे मिलता हूँ। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। आज मैं बेगूसराय के एक जाने माने विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर विशाल केसर से आपको मुखातिब करवा रहा हूँ। जाने उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार नीलेश जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान समय में एक फिजिशियन हैं जी, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? जी, मैं यहीं बेगूसराय का ही हूँ, तो बचपन मेरा गांव बखरी है, बखरी बाजार एक गांव है आप ही के डिस्ट्रिक्ट का, तो उस गांव में ही हमारी बेसिक स्कूलिंग शुरू हुई थी 4th के आसपास तक। उसके बाद चूँकि गाँव का माहौल अच्छा नहीं था या फिर वहाँ एडुकेशन का माहौल उतना था नहीं, तो फिर हमने उसके बाद हॉस्टल ईयर लाइफ जिया है 1987 से। उस समय सबसे चर्चित स्कूल था यहाँ का, सबसे अच्छा स्कूल था सुहृदबाल शिक्षा मंदिर, डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय उनके जो हैं उन्हीं का स्कूल है, तो वहाँ से मेरी बेसिक पढ़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से 1993 में मैं 6th में एडमिशन लिया था वहाँ पर, और 2000 में वहाँ से +2 पास आउट हुआ जी। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए कंपटीशन की तैयारी जैसे उस समय करते थे, तो लोगों को ये होता था ना कि मेडिकल में जाना या इंजीनियरिंग में जाना, एक ही चॉइस होता था उन लोगों के पास, दो ही चॉइस होता था, तो हमने बायो से किया था, तो फिर उसकी तैयारी के लिए पटना जाना उचित समझा। फिर वहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स स्टार्ट किया हमने AN कॉलेज पटना से जी, और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैं बिहार विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद से BMS कराया। फिर उसके बाद लखनऊ में हमारी इंटर्नशिप हुई शेखर अस्पताल, जहाँ पे डॉक्टर AK सचान जैसे दिग्गज लोग, उनके छत्र छाया में फिर आगे की कैरियर और मेडिकल लाइन का जो एक प्रोफेशनल लाइन का जो होता है ना, तो वो हमने वहाँ शुरू की थी, तो लगभग 2.5 साल हमने वहाँ किया। उसके बाद फिर 2013 में बखरी। सर, आप लखनऊ में बहुत दिन रहे, तो ज़्यादा मज़ा कहाँ देता है, लखनऊ या बेगूसराय? अपना बेगूसराय। तो सर एब्सोल्युटली, क्योंकि ये मेरा गांव है ना, यहाँ के भाषा हमारे, हम जो बोलते हैं जिस भाषा में, जो जिसमें हम कंफर्ट होते हैं, वो भाषा यहाँ के लोग समझते हैं, और लखनऊ हमारे बिल्कुल, लखनऊ नवाबों का शहर है, और हम तो वहाँ पे अपना इंटर्नशिप पूरा किए हैं, तो वो भी मेरे लिए, कोई भी जगह ख़राब नहीं, पूरा देश हिंदुस्तान है, कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं, हम लोग तो नवोदय से पढ़े वाले हैं ना, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में डाल दीजिए, हम नवोदय नहीं रहेंगे जी। तो सर, आप बेगूसराय आपका कैसे आना हुआ, जब लखनऊ में अच्छे जगह पर थे, तो फिर बेगूसराय आना कैसे हुआ? जी, एक वाकया है जिसके वजह से मुझे वापस बेगूसराय आना पड़ा, बखरी आना पड़ा बेसिकली। मैं होली के छुट्टी में घर आया था, तो उस समय ये 2011-12 की बात है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ डॉक्टर लोग थे हमारे सीनियर हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे थे, लेकिन बेसिक जो एक होता है ना क्रिटिकल केयर का, या फिर इस तरह का कोई, उस तरह का कोई स्वास्थ्य सुविधा वहाँ था नहीं। तो होली के दिन ही हमने मेरा एक मेडिकल स्टोर है वहाँ का, केसरी मेडिकल, हमारे पिताजी दवा का दुकान है, तो केसरी मेडिकल के पास बेसिकली, अभी भी गाँव में आप जाएँगे ना तो पेशेंट जो है वो डायरेक्ट पहले मेडिकल स्टोर में जाता है, ये दुर्भाग्य है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी अस्पताल है लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं, अब रीज़न जो भी रहा हो उस समय का। तो एक छोटा बच्चा, लगभग 9 महीने का बच्चा गोद में लिए एक माँ जो है वो मार्केट में इधर से उधर कर रही थी होली के दिन में, तो होली में तो आप ना ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिलता है, ना डॉक्टर के क्लिनिक खुले रहते हैं, तो वो बहुत एकदम नीला पड़ गया था, और
सांस लेने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो संजोग से मेरी दुकान खुली हुई थी, तो वहाँ पे वो बच्चा पहुँचा, तो पिताजी ने कहा क्या कि तुम छुट्टी में आयो, थोड़ा इस बच्चे को देख। मैंने बहुत संपर्क किया, कहीं ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिली हमको। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे को इमीडिएट ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या फिर हायर सेंटर की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर मिल नहीं पाया। तो मैंने पापा से कहा क्या कि अपने दुकान है, तो तुरंत एक नेबलाइजर मशीन निकाला, वो बच्चे को नेबलाइज किया, कुछ दवाइयाँ दी। फिर एक मेरे घर के जस्ट बगल में गैरेज है फिरोज जी का, और शुक्र मनाता हूँ फिरोज जी का जी। तो उनके गैरेज से हमने उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लिया। मैंने बहुत जगह संपर्क किया, जिनको मैं जानता था वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली या तो ख़त्म थी या मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास इतना समय नहीं था उस बच्चे को लेकर कहीं जाने का। फिर हमने एक जुगाड़ से ही बच्चे को ऑक्सीजन दिया, ठीक है। पहला तो ये था कि उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन को पूरा करना था, तो उस समय मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर हुआ करता था, वहाँ पे डीएमओ थे तो ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पास ही अनिवार्य रूप से होता था, आजकल कॉमन है लेकिन उसमें थोड़ा ये बहुत क्रिटिकल था। तो हमने उस बच्चे को ऑक्सीजन दिया और उसका ट्रीटमेंट किया, एक तरह से कहिए प्राइमरी ट्रीटमेंट। 4-5 घंटे के मेहनत के बाद हमारा होली उसी में बीता, वो 2012 की होली जो है ना उसी में बीती हमारी। तो उसमें बच्चा बिल्कुल सही कंडीशन पे आ गया, उसका नॉर्मल सेचुरेशन जो 100% होता है ऑक्सीजन का स्पीड होगा वो पूरा हो गया उसका। उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे का नाम बदल के फिर विशाल रखा। ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ में कि वो मुस्लिम बच्चा होके और उसकी माँ ने उसका नाम विशाल रखा। फिर मेरे पिताजी जब शाम में घर आए तो मैंने उनसे खुश होकर कहा कि देखिए ये बच्चा तो बच गया, बहुत अच्छा है, अच्छे कंडीशन में है, लेकिन फिर भी इसको एक हायर ओपिनियन के लिए हम बेगूसराय एक बार, डॉक्टर हेमंत कुमार हमारे सीनियर हैं, संजोग देखिए वो भी नवोदयन है, और मैं उनके सानिध्य में जब वो 12th में थे तो मैं 6th में था, तो एक साल हम नवोदय में उनके साथ रहे। तो उनसे संपर्क था, हेमंत भैया को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ कभी भी भेजो कोई बात नहीं है। तो उनके पास भेजा बच्चे को और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि ये घटना मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है, जो यहाँ पे हम तो कल लखनऊ चले जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरी टिकट थी। तो पिताजी ने मुझसे कहा क्या कि अब तुमको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं, तुमको यहीं रहना है, यहीं पर इसका सेवा करना है इस गाँव का। तो वो एक पॉइंट था जहाँ से मैं टर्न हो गया और बिल्कुल उसके बाद लखनऊ नहीं गया। मतलब वहाँ से हमने अपना रिजाइन लिया और यहाँ पे अपना अस्पताल, छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि मेडिकल क्षेत्र के प्रति डिवोशन इतना ज़्यादा है कि मैंने जब अपनी पहली 4-व्हीलर ली, मेरे खानदान में किसी के पास 4-व्हीलर नहीं था, वो एम्बुलेंस जी, और वो आज भी है, बकरी का फर्स्ट एम्बुलेंस है जो आज भी है। तो सर एक क्रिटिकल केस जब एक डॉक्टर के पास आता है तो कितना कठिन हो जाता होगा उसमें? जी बिल्कुल, हम अपने अनुभव से सीखते हैं और नया नया केस आता है उसको देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्पेशलिटी किस क्षेत्र में है। कभी कभी हम अभी ऐसा क्षेत्र है ना कि कभी कभी अपने किसी को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ना आशा हॉस्पिटल एंड डेंटल होम, मेरा छोटा भाई डेंटिस्ट है डॉक्टर विवेक कुमार, तो उनको भी फिर मैंने कहा कि नहीं डेंटल क्षेत्र में भी बकरी को ज़रूरत है, आप आओ। हालांकि अब तो अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर मनीष कुमार हैं हमारे मित्र हैं, वो भी डेंटिस्ट हैं, उनके भाई विनय कुमार वो भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो सब, और डॉक्टर आर एन झा पहले से हैं, डॉक्टर आर डी साहू हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब तो मैंने अच्छा माहौल है बिल्कुल। तो सर एक डॉक्टर के लिए परिवार को वक्त देना बड़ा कठिन होता है, किसी समय भी फोन आ गया कि नहीं का तो आपको दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल, आप सहमत हैं आपकी बात से, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो 24 घंटे अपने प्रोफेशन में टाइम देता था, अब शादी होने के बाद परिवार का महत्व ये समझ में आता है। तो जो सब दिन बैचलर रहा 1987 टू 2013 तक मैं हॉस्टल लाइफ जिया या सिंगल लाइफ जिया, उसके बाद
बिल्कुल आपको परिवार के लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ रहा आप कोशिश करिएगा तो परिवार को भी समय दे पाइएगा, और परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि इनका जो लाइफ है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है, ये किसी भी डॉक्टर के लिए है। तो सर एक डॉक्टर कितना वक्त देता है हॉस्पिटल में जनरली कहें तो? आप यकीन करिएगा, मैं जब शेखर अस्पताल में था सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शेखर अस्पताल जी, उसके बाद वही पास में ही रूम था जहाँ पे मैं फ्रेश होने के लिए जाता था, शाम 6 बजे से शाम 10 बजे तक मेरे डॉक्टर बीपी सिंह सर, चेस्ट फिजिशियन, बहुत बड़ा नाम है, उनके यहाँ रहता था, और फिर नाइट ड्यूटी गोविंद अस्पताल में करता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लर्निंग का जो एक जुनून होता है ना, कि आप क्या सीखना चाहते हैं और आप अपने प्रोफेशन को कितना टाइम देना चाहते हैं, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत से डॉक्टर हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो सरकारी अस्पताल में 2 दिन ज्वाइन करते हैं हॉस्पिटल को जी, बाकी दिन वो नहीं करते जी। बहुत से डॉक्टर हैं जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए गवर्नमेंट अस्पताल को 24 घंटे टाइम देते हैं, सैल्यूट है उनको जी। तो ये तो डिपेंड करता है, सब जगह अपनी अपनी व्यस्तताएँ हैं लोगों की, जिनका जैसा माहौल है वो उस हिसाब से टाइम देते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर के लिए पेशेंट फर्स्ट हो जाता है, परिवार सेकेंडरी होता है। ये चाहे आप छोटे लेवल के डॉक्टर पे जाइए या किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाइए, उनके लिए उनका पेशेंट ही सब कुछ है। जब वो ठीक होता है तो वो मुस्कान जो आती है, वो दिल से जो खुशी आती है ना, वो एक जो यादें रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने विशाल की चर्चा की, जो सबसे जी, जी, पहला आपका एक मरीज था बेगूसराय में कह सकते हैं, तो अभी भी वो आता है कभी मिलने? कुछ साल तक तो आया था, खुदा ना करे कि उसको कभी फिर डॉक्टर की जरूरत पड़े, स्वस्थ रहे, जहाँ रहे वहीं मस्त रहे। हाँ आता है कभी जी, तो ये अच्छी बातें हैं सर। सर आप सुने हैं बहुत अच्छा गाना बजाते हैं, तो ये कहाँ से आपने सीखा? ये बात है, जब मैं प्लस टू करके नवोदय से फिर पटना तैयारी के लिए गया था, तो मेडिकल का एग्ज़ाम के लिए 1-2 साल तैयारी कर रहा था, उसी दौरान हमारे श्री कृष्णापुरी में मिलिट्री फ्लैट क्वार्टर नंबर 4 जहाँ मैं रहता था, वो उसके पास ही एक राजमुनि संगीत निकेतन करके स्कूल था, और नवोदय में मेरे आर्ट टीचर हुए, थोड़ा भावुक हो जाऊंगा उनके नाम पे, इसलिए कि वो अब नहीं रहे और मैं उनका छात्र नहीं पुत्र था। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय के आर्ट टीचर रहे, उनको वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब केवल पेंटिंग ही नहीं, वो बच्चों को ना मतलब आदमी बना देते थे, वो संस्कार वो डालते थे ना कि आपको क्या चाहिए, किस बच्चे में क्या कर। मेरे को नहीं पता था कि मुझ में पेंटिंग की कैपेसिटी है, या मैं माउथ ऑर्गन बजा सकता हूँ, या मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, तो जिस बच्चे को जो रुचि होती थी ना, वो उनको टैलेंट को ढूंढ के उसको उस डायरेक्शन में वो ले आते थे। तो उनके आशीर्वाद से ही, उनके सानिध्य में ही पहली बार माउथ ऑर्गन पे सरगम सीखा, और अब शायद नहीं जानते तो मैं बता दूं कि 1997 में इंटरनेशनल पोस्टर कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट किया था और उसमें प्राइज विनर भी रहा था इसके लिए, पोस्टर कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत। और हमारा थीम था आवर फैमिली इन वर्ल्ड। सर आप बहुत अच्छा संगीत बजा लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए भी कुछ सुना दें। जी बिल्कुल, माउथ ऑर्गन मैं बजाता हूँ, और मैं अपने गुरु श्री मुकेश गिरी जी का सर का नाम लेना चाहूँगा, वो राजमुनि संगीत निकेतन में वो सिखाते थे, मैंने वहाँ पे धुन सुनी, तो एक इनर अर्ग कहीं जग गया कि अरे कभी मैंने भी माउथ ऑर्गन पे सरगम सीखा था तो उनसे सीखूँ। तो आज आप कह रहे हैं तो कुछ सुना देता हूँ। अभी मेरा प्रोफेशनल माउथ ऑर्गन जो है वो मैं दुर्भाग्यवश नहीं ला पाया, तो आपके कहने पे तुरंत ये अभी ख़रीदा ही है, और इसके ट्यून मुझे एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है जो हमने सबसे पहला जो सीखा था, होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब। तो ये हम रोशन सर के लिए भी धन्यवाद सर, उनके लिए कि हम ये जो KBS स्टूडियो है वो भी कामयाब होगा, और कामयाब है, बल्कि
तो उसकी कामयाबी के लिए धुन। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है फिल्म शोले से, जिसका ट्यून है माउथ ऑर्गन। एक्चुअली बहुत कम फिल्मों में यूज़ किया गया है, आर डी बर्मन साहब बजाते थे, तो शोले फिल्म में मिलन गुप्ता जी ने इसको ट्यून किया था। तो मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी मिलन गुप्ता रहे हैं जी, तो उनके लिए एक ये ट्यून आर डी बर्मन साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बहुत अच्छा आपने बजाया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मनोरंजन के वो चाबुक मार दिए हो, जो बहुत अच्छा लगा हो, यादगार रहा हो। शुक्रिया सर आपका। सर आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? दिल से आप लोग को धन्यवाद। यह कार्य जो है बहुत अद्वितीय है। गुमनाम से जगह से हम लोग आते हैं, कोई जानता भी उतना नहीं है, आज आपकी वजह से बहुत से लोग जान जाएंगे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी जी। बिल्कुल, जब आपको लोग जानते हैं तो फिर आपसे जुड़ते हैं, फिर आपका तो ये भी एक काम करने का तरीका है। और डॉक्टर रोशन सर जो ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं जब बखरी से बेगूसराय आया था ना, जब बखरी आ गया, तभी से उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। स्नेहवत बहुत सारे पेशेंट जिनको मैं उनके पास रेफ़र किया हूँ, वो बिल्कुल ही ठीक होके गए हैं, या ये कहिए कि उनके साथ न्याय हुआ है। आजकल मेडिकल वर्ल्ड में ना न्याय होना शब्द बहुत बड़ी बात है कि आप जो पैसे देते हैं उसका न्याय होता है कि नहीं उसके साथ। तो अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका।
सर आप भी इतने व्यस्तम समय में एक मरीज को देख लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इतने व्यस्तम समय में अगर हमारे पास आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल कुमार, जनरल फिजिशियन, बखरी। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम को फॉलो करने के लिए फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़ें हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय से। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।